नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कर्नाटक की खबर से शुरू कर रहे हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के स्कूल कॉलेजेस में हिजाब बैन के बीजेपी सरकार के फैसले को पलट दिया है। मैसूरू की एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रही है। सीएम ने कहा कि अब हिजाब पर कोई भी बैन नहीं होगा। सिद्धारमैया ने कहा कि महिलाएं हिजाब पहनकर बाहर जा सकती हैं। खानपान और पहनावा चुनने का हर किसी को अधिकार है। इस सभा के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के आदेश को वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस आदेश के बाद ये माना जा रहा है कि हिजाब विवाद का जिन एक बार फिर से सिर उठा सकता है। तो पहले आपको सुनाते हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का वो बयान जिसमें उन्होंने हिजाब से बैन हटाने का ऐलान किया है। हिजाब अब वापस तक बढ़ते हुए हिजाब इलाएगा हिजाब हिजाब आकंड होगा बुदायता हाँ आदेश वापस तक अंत नान ड्रेस हाकड़ो ऊट माड़ो निम्ग सीर नान नि अड्डीपड़े यहा ड्रेस हाकती हाकड़प ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು, ನಾನು ನನ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಧೋತಿ ಮತ್ತೆ ಜುಬ್ಬಾ ಹಾಕತೀನಿ, ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋ ನೀನು ಅಲ್ವಾ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು। सिद्धारमैया के इस फैसले का अब विरोध भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने हिजाब पर बैन को हटाने के लिए सिद्धारमैया पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हिंदू जन जागृति संगठन ने कहा कि पीएफआई देश को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है, इसलिए उसने हिजाब विवाद खड़ा किया और अब सिद्धारमैया ने हिजाब बैन हटाकर पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ाया। हिंदू संगठन ने कहा है कि कर्नाटक को टीपू सुल्तान का राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक राज्य सरकार ने मुस्लिम को अपीजमेंट करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब का केस पेंडिंग होते हुए भी तुरंत आज हिजाब को अलाउ किया है। इसमें कर्नाटक राज्य सरकार किस प्रकार मुस्लिम को अपीज करने के लिए, वोट पॉलिटिक्स करने के लिए किस प्रकार का एक गंदा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें ध्यान में आता है। सऊदी अरेबिया जनता अरेबिया जैसा मुस्लिम राष्ट्र में आज हिजाब को जो बैन था उसको निकाल दिया। वहाँ सऊदी अरेबिया का जो मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड है उन्होंने ड्रेस कोड को प्राधान्यता दिया है, लेकिन कर्नाटक राज्य में हमारा राज्य में एक टिप्पू सुल्तान राज्य बनाने के दृष्टि से सिद्धारमैया ने आज फिर से हिजाब को अलाउ किया है। जिस प्रकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भारत को इस्लामाइजेशन करने के लिए हिजाब इशू उठाया था, आज इस संगठन के देह को राज्य सरकार शरण हुआ है। ये बहुत ही एक खंडनीय और विरोध है। आज कर्नाटक सरकार हिजाब को अलाउ करेगा, कल हिंदू बच्चे केसरी शाल डालकर आएगा उसको अलाउ करेगा। दिसंबर 2021 में दरअसल ये हिजाब का विवाद यहाँ शुरू हुआ था और जैसे ही सरकार बदली, सरकार ने हिजाब बैन जो लगा था वो हटा दिया। टी राघवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, ये जो कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है, इस फैसले को हम कैसे देखें? क्या वो जिन जो शांत हुआ था वो एक बार फिर से अब सर उठा रहा है, एक बार फिर से इस पर अब राजनीति होगी प्रदेश में? जी देखिए, सियासत होना बहुत ही लाजमी बात है, बहुत ही कंटेशियस इश्यू इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो पीयू कॉलेजेस हैं, खासतौर पर जिसे 11वीं और 12वीं के रूप में जाना जाता है, वहां पर क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनकर नहीं जाना है, ऐसा एक फैसला दिया था। वो हमको पता है कि अदालत में भी वो मामला गया था और अदालत ने भी ये कहा था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है।
लेकिन यहाँ पर देखिए एक तरह से सियासत हो गई है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विजेंद्रा, उन्होंने भी कहा है कि ये शिक्षा का जो है वो सांप्रदायिकरण हो रहा है, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार कर रही है। हालांकि जो सीएम है वो ये कहते हैं कि वो मूलभूत अधिकार है। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा, अगर अब इसको अदालत में चैलेंज किया जाता है, तब भी उस वक्त हमने ये क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग कवर की थी इसलिए अदालत ने ये कहा था कि सरकार या फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज या फिर स्कूल मैनेजमेंट की जो डेवलपमेंट कमेटी होती है वो उसका फैसला अंतिम होगा। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि कांग्रेस सरकार का ये फैसला जो है वो कोर्ट में चैलेंज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे सियासत जरूर शुरू हो गई है। अब इस बात को उस वक्त भी हमने देखा था जब पहली बार उडुपी के एक पीयू कॉलेज में जब हिजाब पहनकर जाने पर जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद जो हिंदू संगठनों के लोग हैं वो केसरी शॉल पहनकर गए थे और फिर ये विवाद बहुत बड़ा हो गया था। क्या ऐसा होगा, ये संकेत जो हिंदू संगठनों के जो नेता है वो दे रहे हैं कि अब हम केसरी शॉल पहनकर जाएंगे, देखिए हमें कौन रोकता है। अगर फैसला वापस लिया जाता है तो उसके बाद वहां की जनता पर क्या असर पड़ेगा और इस फैसले से कर्नाटक सीएम क्या बताना चाहते हैं? जी देखिए बहुत क्लियर, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बहुमत के साथ आई थी उस वक्त जो चुनाव प्रचार के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो बीजेपी की सरकार के इस विवादित फैसले को, क्योंकि कांग्रेस भी ये कह रही है कि वोटों के तुष्टीकरण के लिए पोलराइजेशन के लिए बीजेपी ने ये फैसला लिया था, इसे वापस लिया जाएगा और ये काम किया भी है क्योंकि कांग्रेस की सरकार सत्ता में और ये प्रॉमिस था उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि इस फैसले को वापस लिया जाएगा। लेकिन अब 24 के चुनाव सामने हैं, क्या इससे बीजेपी को कोई ग्राउंड गेन होगा ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा है कि सिद्धरामैया का ये फैसला जो है वो शिक्षा में सांप्रदायिकरण को बढ़ाने जैसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। ऐसे में उसे अलाउ करना एक बार फिर सियासत जो है वो तेज होने वाली है इस बात के साथ। और इसका क्या फायदा कांग्रेस को मिलेगा या इंडी गठबंधन को मिलेगा 2024 के चुनावों में, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।